नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। भारत चीन और पाकिस्तान को युद्ध के साथ साथ जासूसी से भी पसीने छुड़ा रहा है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और पाकिस्तान चीन सीमा पर भारत पसीने छुड़ा देगा, क्योंकि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान अपनी गतिविधियां भारत के खिलाफ बढ़ा रहे हैं, उससे तो भारत को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ही। जी हाँ, इसी को देखते हुए भारत अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए मेहनत कर रहा है और अपनी सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए खतरनाक हथियार खरीद रहा है। उसी कड़ी में भारत ने रूस से एक रक्षा सौदा किया था। अब रूस उस करार के मुताबिक खतरनाक हथियार दे रहा है। खबरों की माने तो रूसी हथियार निर्यातक रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिखेव ने एक बयान दिया है और कहा है कि रूस कामों के 31 डेक आधारित रडार पिकेट हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पर भारत के साथ काम करना जारी रखा हुआ है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी इतार तास की माने तो मिखेव ने कहा है कि कामों के 31 को लेकर भारत के साथ काम जारी है। जानकारों की माने तो के 31 का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और यह दुनिया का एकमात्र डेक आधारित रडार निगरानी हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि यह हवा और समुद्र की स्थिति को नियंत्रित करने और आर्थिक क्षेत्र और जल क्षेत्रों की निगरानी के कामों का पूरी तरह से मुकाबला करता है। इससे पहले 17 मई को एक रक्षा मैगजीन ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा था कि भारत ने 10 KA-31 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पर रूस के साथ बातचीत स्थगित कर दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यूक्रेन युद्ध और डिलीवरी पर अनिश्चितता के कारण भी यह फैसला लिया गया है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक भारत को जल्द जासूसी हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। अब हम बताते हैं कि KA-31 की ताकत क्या है। रूस का KA-31 हेलीकॉप्टर। KA-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर के नाम से जाने जाते हैं। हेलीकॉप्टर खराब मौसम में भी समुद्र में उड़ान भरने में सक्षम। हेलीकॉप्टर में 3-3 के सेट में 2 रोटर लगे होते हैं। यह हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर की टॉप स्पीड में उड़ान भर सकता है। इसको 2 पायलट उड़ाते हैं। इस हेलीकॉप्टर की लंबाई 5.6 मीटर है। KA-31 की अधिकतम टेक ऑफ वजन 12,200 किलोग्राम है। इस हेलीकॉप्टर की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप समझ सकते हैं कि KA-31 की ताकत और क्षमता क्या है। इस हेलीकॉप्टर के कुछ यूनिट को भारतीय नौसेना पहले से ही ऑपरेट कर रही है। कामों KA-31 भारत के अलावा रूस और चीन की नौसेना में भी शामिल है। यह हेलीकॉप्टर खराब मौसम में भी समुद्र में उड़ान भरने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर में 3-3 के सेट में 2 रोटर ब्लेड ऊपर नीचे लगे होते हैं। यह हेलीकॉप्टर 600 किलोमीटर के रेंज में 250 किलोमीटर की टॉप स्पीड में उड़ान भर सकता है। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत और रूस ने मई 2019 में KA-31 हेलीकॉप्टर को लेकर एक समझौता किया था। इसके तहत भारत रूस से 10 KA-31 हेलीकॉप्टर खरीदने वाला था। टॉस की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण बातचीत बाधित हुई थी, जो कि फरवरी 2022 में फिर से शुरू हुई। मीडिया में आई खबरों की माने तो हेलीकॉप्टरों के एक बैच की कीमत $520 मिलियन होगी। भारतीय नौसेना मौजूदा वक्त में 2003 से 2015 में रूस से खरीदे गए 14 KA-31 हेलीकॉप्टरों का संचालन करती है, लेकिन अब लग रहा है कि बात बन जाएगी और बहुत जल्द भारत को रूसी जासूसी हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे।